हाय एवरीवन, मैं हूँ वैभव विश्वकर्मा। इंस्पायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, सुनीत शर्मा। पहले थे आपके BK यादव, लेकिन 1 जनवरी से नया बने हैं सुनीत शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी दी है? देखिए, पहले से एयर डिफेंस प्रणाली जो कि भारत में मौजूद है, अब उसकी बिक्री के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और आपका राइट आंसर होगा आकाश मिसाइल। ठीक है, ये देखिए आपका आकाश मिसाइल है, जिसके अब यहाँ पे भारत में निर्माण होगा और इसकी बिक्री किया जाएगा। तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के चेयरमैन के सिवान का कार्यकाल विस्तार कब तक के लिए किया गया है? जैसा कि हमें पता है कि इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान, तो इनके कार्यकाल में कुछ विस्तार किया गया है, तो ये कितने दिन का किया गया है? 3 महीने का, 6 माह का, 2 साल का या 1 साल का? आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 साल। 1 साल का विस्तार किया गया है, मतलब 14 जनवरी 2022 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। किस राज्य के विधानसभा ने वहाँ के सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के लिए असम निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया है, राइट आंसर क्या होगा इसका? असम। चलिए आगे बात करते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसमें भारत का आपका स्थान होगा 8वां, 9वां, 7वां या 10वां। राइट आंसर होगा, भारत का स्थान है 8वां। इस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है अफगानिस्तान, भारत का नंबर है 8वां। चलिए आगे बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने वर्ष 2020 का इंजीनियरिंग पुरस्कार किसे दिया है? राजीव मित्तल, संजीव मित्तल को, BK यादव को, अश्विनी लोहानी को, रोहित शर्मा को? राइट आंसर होगा BK यादव को मिला है, जो कि पूर्व RRB के चेयरमैन थे। आगे 96वें तानसेन संगीत समारोह में वर्ष 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो 20 का तानसेन किसे मिला है? पंडित सतीश व्यास को। तानसेन संगीत समारोह में वर्ष 2020 का राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से किसे, किस संस्था को सम्मानित किया गया है? कला क्षेत्र फाउंडेशन, अभिनव कला परिषद, संगीत अकादमी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव कला परिषद, या भोपाल का एक संस्था है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? देखिए, अभी बहुत सारे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की को परिवर्तित किया गया, उनका पद यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को किसे बनाया गया है? तो आंसर आपके पास ऑप्शन है के राहुल शर्मा, अनिल बीज, अरूप कुमार गोस्वामी, अनूप अवस्थी। राइट आंसर होगा आपका अरूप कुमार गोस्वामी। सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस दिसंबर 2020 में किसे बनाया गया है? जैसा कि आंसर आपको देखें, आंसर होगा सिक्किम हाईकोर्ट का जितेंद्र कुमार महेश्वरी।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम बताइए। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? के राहुल शर्मा, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, राघवेंद्र कुमार सिंह चौहान, अनूप अवस्थी। राइट आंसर क्या होगा? राघवेंद्र सिंह चौहान। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? देखिए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं अभी, तो मध्य प्रदेश के कौन होंगे आपके? राइट आंसर मोहम्मद रफीक। मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? राइट आंसर होगा आपका संजीव बनर्जी। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? आशीष खेतान, विनोद कुमार यादव, डॉक्टर एस कुमार मुरलीधर, विजय मुखर्जी। राइट आंसर होगा डॉक्टर एस मुरलीधर। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? हिमा कोहली, विनोद कुमार यादव, के राहुल शर्मा, विजय मुखर्जी। राइट आंसर होगा आपका हिमा कोहली। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? आशीष खेताना, पंकज मिठल, विनोद कुमार यादव, विजय मुखर्जी। राइट आंसर होगा आपका पंकज मिठल। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, तो इनको आप एक बार फिर से देख लीजिए और इनका नोट्स बना लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सकें, और सेशन को लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।